नहीं देखें, थोड़ा टाइम डॉलर नीचे आएगा, 200 तक आएगा, अमाउंट नहीं बोल सकता मैं कंफर्म, फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। ओके हाँ, ये पाकिस्तान में होगा, इसी तरह होगा। डॉक्टर साहब आए हैं, फिलहाल तो इन्होंने डॉलर नीचे ले आएंगे। लेकिन एक चीज है, अचानक डॉलर नीचे कैसे आ गया? किन लोगों ने मार्केट में डॉलर बेचना शुरू कर दिया? कहाँ से वो बिजनेसमैन आ गए जिन्होंने इस वक्त डॉलर मार्केट में ले आए? ठीक है, ये सब चीजें अभी क्यों होना शुरू हो गई? अचानक कैसे शुरू हो गया? अचानक चार चार पांच पांच रुपए डेली कम हो रहा है, तो सीधी बात है कि सट्टा है। और एक ऐसे लोगों ने कैप्चर किया हुआ था डॉलर को, जब इनको इशारा मिला तो वापस मार्केट में भेज दिया, जब इनको इशारा मिलेगा तो दोबारा बढ़ा देंगे। और यही होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, डॉलर नीचे आ जाएगा। वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वो सरमायादार तबका, मतलब कंट्रोल इसी तरह किया जाता है पाकिस्तान में के बस, यानी एक तो मीडिया के जरिए वो चीजें बयान की जाती हैं, एक ग्राउंड बना दिया जाता है। लास्ट टाइम आपको पता होगा कि ग्राउंड बनाते जा रहे थे कि डॉलर लेने वाला कोई नहीं है, आपने देखा होगा। हाँ। डॉलर लेने वाला नहीं है कोई, डॉलर बेचने वालों की लाइन लग गई है, डॉलर कोई ले नहीं रहा। डॉलर 180-170 पे हो जाएंगे तक बड़े बड़े बिजनेसमैन आके अपने तबसरे दे रहे थे, तो लोगों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया। और जब डॉलर बेच दिया फिर दोबारा डॉलर ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये एक सट्टा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अभी भी यही होगा, डर से उम्मीद है आपको डर साहब कुछ बेहतरी कर पाएंगे? देखें इनको क्या, इनको एक दो एडवांटेज मिले हैं डर साहब को, ये डॉलर को हटके मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे कर्जे थे जो या तो वो माफ करवाने की प्लान है कि माफ कर हो जाए, या फिर इनका शेड्यूल आगे हो जाए, या तो कुछ माफ रिलीफ मिल जाए, टाइम मिल जाए। हाँ टाइम मिल जाए, टाइम तो मिल ही जाएगा, या तो माफ भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, जिनकी ये मूवीज बना के जो वीडियो बना बना के दुनिया को दिखा रहे हैं, तो हो सकता है काफी जगह कर्जा माफ भी हो जाए, हो सकता है अरबों डॉलर का कर्जा माफ भी हो सकता है। अगर कर्जा माफ भी नहीं हुआ तो पेमेंट काफी आगे हो जाएगी, सही काफी आगे पेमेंट हो जाएगी, तो ये इस तरह से एक रिलीफ मिलेगा, ये एक आप कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो रिलीफ मिल रहा है हमको, किनकी वजह से मिल रहा है? जो बेचारे गरीब लोग सैलाब की वजह से मर रहे हैं, जिनके घर टूट गए, जिनके पास खाना नहीं है, इनके हमें आपको मुझे अब दो तीन मिनट और एक्स्ट्रा देना, इनकी वजह से हमको रिलीफ मिलेगा, सही है हमेशा पाके। और अब उसकी वजह से वो उसको क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिल जाएगा इनके लिए, इनकी वजह से इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में कोविड आया, पूरी दुनिया की इमदाद पाकिस्तान को मिली कोविड में, लेकिन उन तक नहीं पहुंची जिनके लिए मिली। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जब भी आफत आती है, आफत आती है, लोग करोड़पति से अरबपति हो जाते हैं हमारे मुल्क में, अरबपति हो जाते हैं, अरबपति खरबपति हो जाते हैं, आफतें आती हैं। यानी मखसूस लोगों के लिए आफत एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, और हमारे जो कमजोर तबका है उनके लिए तो आफत आफत ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मतलब ठीक लॉटरी निकल पड़ी है, एक तरह से लॉटरी लगती है उनकी, क्योंकि उनकी वजह से इतना कुछ आ जाता है कि उनको बस सपोर्ट ही सपोर्ट है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर वो 25 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ खर्च कर देते हैं, क्योंकि ऐसी आफतें पाकिस्तान में आती रहती हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत अच्छी बात की। इकबाल साहब।